Hello friends, in this video I am going to cover who is entrepreneur and what is entrepreneurship. So without waste of time, let's start. Who is entrepreneur? So an individual who bears the risk of operating a business is called as entrepreneur. एक ऐसा इंसान जो business start करता है, business start करने का risk उठाता है, उसे हम entrepreneur कहते हैं. Entrepreneur is the one who innovates and introduces something new. Entrepreneur वो होता है जो कुछ नया करने का दम रखता है और न्यू आइडिया इनोवेट करता है. द एंटरप्रेन्योर रिकॉग्नाइजेस एंड एक्ट्स अपॉन मार्केट अपॉर्चुनिटी. एंटरप्रेन्योर मार्केट अपॉर्चुनिटी को समझता है, चैलेंज को समझता है और सही टाइम पे सही चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और प्रॉफिट अर्न करता है, उसे हम मार्केट अपॉर्चुनिटी कहते हैं. एन एंटरप्रेन्योर इज एसेंशियली एन आर्बिट्रेजर. अब समझते हैं आर्बिट्रेजर कौन होता है. आर्बिट्रेजर का मतलब होता है कोई पर्सन एक मार्केट से सामान उठाता है और दूसरे मार्केट में बेच देता है. जैसे कि हम बात करें गोल्ड की, तो सोने का भाव किसी देश में सस्ता है और किसी देश में महंगा. फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में सस्ता है और भारत में महंगा, तो कोई पर्सन जो प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा हो तो वो सऊदी अरब से सोना खरीदेगा और भारत ला के बेच देगा, तो बिना किसी मटेरियल में चेंज किए प्रॉफिट अर्न कर लेगा, उसे हम आर्बिट्रेजर कहते हैं. मुझे ये पता है कि इस एग्जांपल से सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं कि हु इज़ एंटरप्रेन्योर. उसके पहले ये समझ लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर के पास कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है उसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए. तो पहले आता है कि राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड. उसका एटीट्यूड एकदम सही होना चाहिए, सबसे अच्छा बिहेव करना चाहिए, चीज़ों को समझना आना चाहिए, उसको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए. सेकेंड है अपडेट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन. उसका नॉलेज हमेशा अपडेट होना चाहिए. आजकल जो इंटरनेट युग है, एक सेकेंड में हम सारी दुनिया में अपनी इन्फॉर्मेशन को फैला सकते हैं, तो उसे सारी जानकारी होना चाहिए कि कैसे अपनी चीज़ों को दूसरे तक पहुँचाना चाहिए. थर्ड वन इज शार्प एंड स्किल, मतलब कि उसे ये आना चाहिए कि किस टाइम पे क्या उसे एक्सेप्ट करना है, किस चीज़ों को हटाना है, किस चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और प्रॉफिट अर्न करना है अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हुए. अब चलिए समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है. तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, डेवलपिंग एंड ब्रिंगिंग अ विजन टू लाइफ. एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को समझने का, डेवलप करने का और लाइफ में अप्लाई करने का. हम ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु ओन्स, ऑर्गेनाइजेस, मैनेजेस एंड रन्स एन एंटरप्राइज. एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो ओन करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इन चीज़ों को रन करता है. जबकि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसीजर ऑफ डूइंग समथिंग न्यू. एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसीजर होता है कुछ नया करने का. हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द क्वालिटी एंड स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योरशिप को हम कह सकते हैं कि क्वालिटी एंड स्किल जो कि ज़रूरी होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो ओनली दिस मच. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब द चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम.